नाना क्या हुआ? दत्ता जी जिंदे नहीं रहे। दत्ता जी कैसे? नजीबुद्दौला। वो नजीब से चौथ की रकम लेने गए थे, तब उसने उन्हें धोखे से मार दिया। तो तुमने ऐलान किया था कि मेरा सर धड़ से अलग करोगे। लो कर दो अलग, लो लो ना ये सर। तुम तो पहले ही अपना सर अब्दाली के पैरों पर रख चुके हो, तो अब क्या करोगे? और लड़ोगे? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। नजीब! लेकिन नजीब में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो एक मराठा सरदार को मार सके? क्योंकि उसने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिलाया है। अहमद शाह अब्दाली? सभी मंत्री और सेनापतियों को अभी इसी समय गणेश दरबार में बुलाया जाए। दत्ता जी की हत्या मराठा साम्राज्य पर सीधा प्रहार है, और अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है वो। पिछली बार इतनी लूटपाट मचाई, कत्लेआम करके यमुना का पानी लाल किया था। इस बार हमें उसे रोकना होगा। श्रीमान, अब्दाली शनिवारवाड़ा नहीं लाल किले पर कब्जा करने आ रहा है। उत्तर में इतनी दूर उनकी लड़ाई लड़ने हम भला क्यों जाएं? इसलिए कि दिल्ली में इतना दम नहीं कि वो अब्दाली का मुकाबला कर सके। और ये मत भूलिए, हमने उन्हें वचन दिया, चौथ की रकम के बदले आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करेंगे। अपना कर्तव्य निभाने का समय आ गया है, अतः माघार नहीं। पर भाव साहब, श्रीमंत, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम अभी अभी एक लड़ाई लड़ चुके हैं। सैनिक इतने थके मांदे हैं कि अपना जरा बख्तर भी नहीं उठा सकते, एक और युद्ध का बोझ कैसे उठाएंगे? ठीक कह रहे हो आप, पर और कोई विकल्प भी तो नहीं है। वो 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है तो लिंगो जी, कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? बोला बोला। मैं इस सदाशिव से सहमत हूं, हमें हमारी सेना भेजनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो राघोबा को जाना चाहिए। जो आज्ञा श्रीमंत। हमारे घोड़ों ने सिंधु और कावेरी का पानी पिया है तो ये यमुना क्या चीज है? मुझे 1,00,000,000 मूल्य का स्वर्ण और 80,000 की सेना चाहिए। पर राघोबा दादा, पेशवा संपत्ति इस समय कम है, तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अब तक ये धनमंत्री के अहदे पर क्या कर रहे थे? राघोबा, आपने अटक का किला भले ही जीता लेकिन आप कर्जे के बोझ के साथ लौटे थे, मैं उसी को हटाने में लगा हुआ। हमारे शत्रु दिवाले होने चाहिए और हमारा साम्राज्य हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपन्न, पर यहां तो उल्टा है। ये ठीक कह रहा है राघोबा। अरे राघोबा दादा, जहां तक सेना का संबंध है, हमें यहां भी तो चाहिए। दिल्ली बचाने के चक्कर में हम पुणे को दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए आपको 40,000 की सेना ही मिल पाएगी। 40,000? बस इतनी सी? 40,000 की सेना कम नहीं है राघोबा। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो आप उत्तर दिशा के बारे में? एक उदगिरी क्या जीत लिया, आप समझते हो कि युद्ध के बारे में आप सब कुछ जानते हो? दिल्ली कोई बच्चों का खेल नहीं है सदाशिव भाव, आपकी तलवार जंग खा रही है और अपने कलम के तीरों से आप अब्दाली का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे हाथ में तलवार वापस लौटा के तो देखिए। असका,
बिना स्वर्ण और सिर्फ 40,000 की सेना लेकर कर सकते हो आप? श्रीमंत, आप आदेश दीजिए, मैं इन्हीं साधनों के साथ अभियान का नेतृत्व करूंगा। गिट्ठी बराबर सोना और मुट्ठी बराबर सैनिकों के साथ तुम कैसे करोगे? श्रीमंत, रास्ता लंबा है, इसलिए हमारे उत्तर के जो सेनापति है, जैसे होलकर, शिंदे, बुंदेले, उनकी मदद के साथ रास्ते में जो आने वाले रजवाड़े हैं, उन्हें वास्ता दूंगा मातृभूमि का। क्या उन्हें मना पाओगे? हाँ बिल्कुल, वो तो सदा हमारे समर्थक रहे, और जब अब्दाली से सामना होगा तो एक संयुक्त बलशाली विराट हिंदुस्तान सेना देखकर वो भाग खड़ा होगा। और अगर वो वहीं खड़ा रहा तो हम उसके पैर उखाड़ देंगे। निर्णय हो गया, सदाशिवराव भाऊ पेशवा अभियान का नेतृत्व करेंगे। ईश्वर करे केसरिया ध्वज को नई ऊंचाई मिले।